नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी और आपका एग्जाम भी अच्छा गया होगा। दोस्तों, हमने हरियाणा पुलिस के लिए प्रैक्टिस टेस्ट स्टार्ट कर रखे हैं और आज हम आपके लिए प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 22 लेकर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, इस टेस्ट के अंदर हमने हरियाणा जीके के 30 क्वेश्चन रखे हैं। मोस्ट ईवे क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछ जाने वाले क्वेश्चन है। जी हाँ दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन दोस्तों नए पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है। दोस्तों, हम हर टेस्ट के अंदर करंट अफेयर्स की क्वेश्चन भी मिक्स करते हैं। दोस्तों, हम हर रोज 2 से 3 प्रैक्टिस टेस्ट प्रोवाइड करवाते हैं। दोस्तों, अगर आप अब की बार हरियाणा पुलिस के एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जी हाँ, तो सब्सक्राइब करने के बाद राइट साइड में आपको बेल आइकन दिखाई देगा, उसके ऊपर भी आप क्लिक कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। और दोस्तों, याद रखें, एक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको 5 सेकंड का टाइम मिलेगा, उसके बाद हम आपको आंसर बता देंगे। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हैं और कितने क्वेश्चन राइट कर पाते हैं, ये सब कुछ दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टेस्ट, आज के हमारे क्वेश्चंस। मोस्ट ईवे क्वेश्चन दोस्तों बताइए, हरियाणा में कितने दूरदर्शन केंद्र हैं? मोस्ट ईवे क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाया है। हरियाणा में कितने दूरदर्शन केंद्र हैं? एक दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा में एक दूरदर्शन केंद्र है। नेक्स्ट देख लीजिए, बल्लभगढ़ इसी टायर उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी माना जाने वाला कौन सा कारखाना है? 5 सेकंड का आपको टाइम मिलता है, जल्दी से आंसर दीजिए। बल्लभगढ़ इसी टायर उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी माना जाने वाला कौन सा कारखाना है? गुडियर कारखाना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए दोस्तों, मोस्ट ईवे क्वेश्चन है सभी। जी हाँ दोस्तों, बताइए दुर्वासा आश्रम कहाँ स्थित है? जी हाँ दोस्तों, दुर्वासा आश्रम कहाँ स्थित है? जी हाँ दोस्तों, कहाँ? रोहतक के दुबलदन गांव में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दुर्वासा आश्रम कहाँ है? दुबलदन गांव में, रोहतक जिले के दुबलदन गांव में। नेक्स्ट देख लीजिए दोस्तों, टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल कब स्थापित की गई थी? टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल कब स्थापित की गई थी? कब स्थापित की गई थी दोस्तों? 1943 में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1943 में स्थापित की गई थी टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल। नेक्स्ट देख लीजिए। जी हाँ दोस्तों, बताइए हरियाणा वित्त निगम की स्थापना कब हुई? हरियाणा वित्त निगम की स्थापना कब हुई? मोस्ट ईवे क्वेश्चन है। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा वित्त निगम की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1967 को हुई थी, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए दोस्तों, हैफेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? हैफेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जी हाँ दोस्तों, 1966 में स्थापना हुई थी हैफेड की, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए दोस्तों, यूरिया संयंत्र कौन से जिले में स्थित है? मोस्ट ईवे क्वेश्चन है, यूरिया संयंत्र कौन से जिले में स्थित है? ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में अक्सर पूछ लेते हैं, कोई संयंत्र, कोई उद्योग, उसके बारे में पूछते हैं कि किस जिले में है। तो दोस्तों, पानीपत में है यूरिया संयंत्र, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, जिला कुरुक्षेत्र की शाहबाद सहकारी चीनी मिल की स्थापना कब की गई थी? जिला कुरुक्षेत्र की शाहबाद सहकारी चीनी मिल की स्थापना कब की गई थी? जी हाँ दोस्तों, 1984-85 में स्थापना की गई जिला कुरुक्षेत्र की शाहबाद सहकारी चीनी मिल की। नेक्स्ट देख लीजिए। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट ईवे क्वेश्चन है, हरियाणा की कौन सी नहर दिल्ली में ओखला नामक स्थान से यमुना नदी से निकाली गई है? हरियाणा की कौन सी नहर दिल्ली में ओखला नामक स्थान से यमुना नदी से निकाली गई है? मोस्ट ईवे क्वेश्चन है, गुड़गांव नहर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, हरियाणा प्रदेश में शराबबंदी कानून कब लागू किया गया? हरियाणा में शराबबंदी कानून कब लागू किया गया? 1 जुलाई 1996 को किया गया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए दोस्तों, मोस्ट ईवे क्वेश्चन है सभी। नेक्स्ट देख लीजिए। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा राज्य में मद्य निषेध कानून को और भी कठोर बनाने के लिए पंजाब आबकारी अधिनियम किस सन में संशोधित किया गया? हरियाणा राज्य में मद्य निषेध कानून को और भी कठोर बनाने के लिए पंजाब आबकारी अधिनियम किस सन में संशोधित किया गया? सन 1914 में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए,
बताइए दोस्तों, इंदिरा गांधी प्रियदर्शिनी विवाह शगुन योजना कब आरंभ की गई? इंदिरा गांधी प्रियदर्शिनी विवाह शगुन योजना कब आरंभ की गई? कब आरंभ की गई? 14 मई 2005 को। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, राज्य में लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना कब लागू की गई? राज्य में लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना कब लागू की गई? जी हाँ दोस्तों, 1 जनवरी 2006 से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, जी हाँ दोस्तों, हरियाणा सरकार द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करने का निर्णय किस वर्ष लिया गया था? हरियाणा सरकार द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करने का निर्णय किस वर्ष लिया गया था? वर्ष 1981 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट वैल्यू क्वेश्चन है सभी। जी हाँ दोस्तों, युद्ध सेवा मेडल प्राप्त करने वाले सैनिकों को नगद राशि वार्षिकी और भूमि के बदले नकद राशि देने की स्कीम 1988 में बंद कर दी गई थी। उसी बंसीलाल की सरकार ने सरकार द्वारा पुनः चालू किया गया। कब किया गया? युद्ध सेवा मेडल प्राप्त करने वाले सैनिकों को नकद राशि वार्षिकी और भूमि के बदले नकद राशि देने की स्कीम 1988 में बंद कर दी गई थी और उसे बंसीलाल की सरकार द्वारा पुनः चालू किया गया था। कब किया गया था? जी हाँ दोस्तों, अप्रैल 1997 में उसको पुनः चालू कर दिया गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, बताइए चरखी दादरी व सूरजपुर का प्रमुख उद्योग किसका है? चरखी दादरी व सूरजपुर का प्रमुख उद्योग किसका है? सीमेंट का दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, फरीदाबाद के निकट स्थित गांव से ही किस प्रसिद्ध भक्त कवि की जन्मस्थली माना जाता है? फरीदाबाद के निकट स्थित गांव से ही किस प्रसिद्ध भक्त कवि की जन्मस्थली माना जाता है? किसकी माना जाता है? सूरदास की जन्मस्थली है दोस्तों, गांव से ही, फरीदाबाद के निकट स्थित गांव से ही किस प्रसिद्ध भक्त कवि की जन्मस्थली माना जाता है? सूरदास की। नेक्स्ट देख लीजिए, मोस्ट वैल्यू क्वेश्चन है। जी हाँ दोस्तों, बताइए राज्य में सर्वाधिक उत्पादकता निम्न में से किसकी है? राज्य में सर्वाधिक उत्पादकता निम्न में से किसकी है? गेहूं की दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, राज्य के महेंद्रगढ़ जिले के किस स्थान पर एक वीरी बैंक स्थित है जहां पर तरल नाइट्रोजन प्लांट लगा हुआ है? दोस्तों मोस्ट वैल्यू क्वेश्चन है, राज्य के महेंद्रगढ़ जिले के किस स्थान पर एक वीरी बैंक स्थित है जहां पर तरल नाइट्रोजन प्लांट लगा हुआ है? कहां लगा हुआ है? नारनौल में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, राज्य का कौन सा जिला खुम्बी के उत्पादन में देश में अग्रणी है? राज्य का कौन सा जिला खुम्बी के उत्पादन में देश में अग्रणी है? जी हाँ दोस्तों, सोनीपत जिला। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए दोस्तों, मोस्ट वैल्यू क्वेश्चन है, हरियाणा में एकमात्र परमवीर चक्र विजेता जांबाज सैनिक कौन है? हरियाणा में एकमात्र परमवीर चक्र विजेता जांबाज सैनिक कौन है? लेह कर्नल होशियार सिंह। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बताइए हरियाणा राज्य में सर्वाधिक बाजरा किस जिले में होता है? हरियाणा राज्य में सर्वाधिक बाजरा किस जिले में होता है? जी हाँ दोस्तों, महेंद्रगढ़ जिले में हरियाणा में सर्वाधिक बाजरा होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, शिवालिक की पहाड़ियों से हरियाणा प्रदेश की कौन सी नदी निकलती है? शिवालिक की पहाड़ियों से हरियाणा प्रदेश की कौन सी नदी निकलती है? जी हाँ दोस्तों, ये सभी नदियां निकलती हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। घग्गर नदी निकलती है, मरकंडा और टांगरी। दोस्तों हाल ही में हरियाणा पुलिस में सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ था 2 दिसंबर को। उसमें दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया था, ऐसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, उनमें से पूछा गया था कि ऐसी कौन सी नदी नहीं है जो अरावली की पहाड़ियों से नहीं निकलती। तो दोस्तों जो शिवालिक की पहाड़ियां हैं, अरावली की पहाड़ियां, मोरनी की पहाड़ियां, इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 101% आता है और आएगा दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रदेश की कौन सी नहर जगाधरी पोंटा सड़क पर स्थित ताजेवाला नामक स्थान से यमुना नदी से निकलती है? प्रदेश की कौन सी नहर जगाधरी पोंटा सड़क पर स्थित ताजेवाला नामक स्थान से यमुना नदी से निकलती है? जी हाँ दोस्तों, पश्चिमी व पूर्वी नहर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, सन 1354 में किस प्रसिद्ध मध्यकालीन शासक ने हिसार के एक दुर्ग के रूप में स्थापना की थी? सन 1354 में किस प्रसिद्ध मध्यकालीन शासक ने हिसार के एक दुर्ग के रूप में स्थापना की थी?
जी हाँ दोस्तों, किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए एक और मोस्ट इवेक क्वेश्चन है दोस्तों, सुमेत करना है यहां पर। तो दोस्तों बताइए, सुमेत कीजिए, जितने मेले दिए गए हैं कहां आयोजित किए जाते हैं तो आपको यहां पर बताना है, बताइए। जी हां दोस्तों, जी हां दोस्तों, जितने भी मेले हैं जो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 या इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो अभी मैं आपको बताता हूं दोस्तों, बुद्धो माता का मेला दोस्तों गुड़गांव में आयोजित होता है, वहीं गोगापीर मेला फरीदाबाद में, मुंगीपा मेला भिवानी में और धमतान साहिब मेला जींद में आयोजित होता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहां पर भी सुमेत करना है दोस्तों। जितने भी उत्सव दिए गए हैं किसके लिए है वो उत्सव, किस बेस के ऊपर वो उत्सव है, किस लिए मनाए जाते हैं, तो यहां पर बताना है वो जो त्यौहार ये उत्सव दिए गए हैं किसके त्यौहार हैं। तो दोस्तों 27 का यहां पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सलोनी उत्सव दोस्तों भाई बहनों का उत्सव है, वही निर्जला ग्यारस उत्सव स्त्री का त्यौहार है, सीली साते बासी भोजन का त्यौहार है, तीजो उत्सव दोस्तों ये फसल का त्यौहार है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, निम्न में से किसे आदिल शाह ने अपना प्रधानमंत्री बनाया था, निम्न में से किसे आदिल शाह ने अपना प्रधानमंत्री बनाया था, किसे बनाया था, हेमचंद्र को बनाया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, भिवानी में नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी, भिवानी में नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी, राधा कृष्ण वर्मा ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जी हां बताइए, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था, मोस्ट इवेक क्वेश्चन है, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था, 18 दिनों तक चला था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों ये थे आज के हमारे 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों हम हर रोज 2 से 3 प्रैक्टिस टेस्ट प्रोवाइड करवाते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करना तो बिल्कुल ही मत भूलना। और दोस्तों अगर आप कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों राइट साइड में आपको बेल आइकन दिखाई देगा, उसके ऊपर भी आप क्लिक कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।